गर्मियों में हमारे प्लांट्स ना केवल पानी की कमी से मरते हैं बल्कि ओवर वाटरिंग से भी मर जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उन लोगों के संग जो कि गार्डनिंग के शौकीन हैं। फ्रेंड्स, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पानी डालते समय, मैं उन्हीं को बता रही हूँ। ये जो क्लिपिंग है ये मेरी किसी फ्रेंड ने शूट करी थी जो कि मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। टेम्परेचर बढ़ ही रहा है तो यह है कि पानी की समस्या आ जाती है कि हम लोग पेड़ पौधों को पानी कैसे दें, तो इसके लिए ये है कि ध्यान रखना होगा पानी जो इंटेलिजेंटली देना होगा। अधिकतर दिमाग में यही रहता है कि भाई गर्मी है तो पानी तो बहुत चाहिए होगा, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि ओवर वाटरिंग से भी प्लांट्स जो हैं ये हम लोग के गर्मियों में मर जाएंगे, तो सोच समझ के पानी दीजिएगा। दूसरा ये है कि पानी किस समय दें। पानी जो है अधिकतर जो है या तो आप मॉर्निंग में दो या फिर इवनिंग में दो, लेकिन इसमें भी मुझे ऐसा लगता है बेस्ट टाइम जो है ये इवनिंग है पानी देने के लिए। मॉर्निंग में अच्छा है, दोपहर में बिल्कुल मत दीजिए। देखिए आजकल जो गार्डनिंग में हम लोग की हेल्प करते हैं अलग से लोग, तो उनको जैसा टाइम रहता है कई बार वो दोपहर में भी आ जाते हैं और कहते हैं हम तो डेली पानी दे रहे हैं कुछ नहीं होता प्लांट्स को, लेकिन फ्रेंड्स फ़र्क पड़ता है इससे। पानी जो है दोपहर में अवॉइड करिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं, पानी एवोपरेट भाप बन के तुरंत उड़ जाता है, तो पानी की जो खपत है वो ज़्यादा हो रही है। सुबह के समय शाम के समय मौसम ठंडा रहता है तो पानी जो है कम लगता है पौधों में। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर हम लोग शाम को दे रहे हैं तो क्यों शाम को दे रहे हैं। इसका दो मकसद होता है, सबसे पहले तो टेम्परेचर कम रहता है, दूसरी बात यह थी हमारे टंकी में जो गर्म पानी पड़ा है वो पौधों को मिल जा रहा है, उतना नुकसान नहीं होता पौधों को उस पानी से क्योंकि वो दिन भर की ज़्यादा गर्मी सह लेते हैं। तीसरी बात ये है कि जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं अधिकतर शाम के समय जो है अपना घर तलाशते हैं, तो शाम के समय हमारे पौधों में जा कर के अपने अंडे बच्चे देने की तैयारी करते हैं, तो उस समय जब सूरज डूब रहा है तो उस समय आप पानी डालने लगेंगे, पौधे हमारे गीले हो जाएंगे और गीले पौधों में कभी भी कीड़े नहीं बैठते हैं, तो आपकी समस्या जो है काफ़ी हद तक जो पेस्ट अटैक वाली है वो बच जाएगी। पेस्ट्स लग जाते हैं तो इन सब से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगता था खुद भी कि शाम के समय पानी डालने से फंगस हो जाएगी पत्तियों में ये सब, लेकिन कोशिश करा जब हमने लास्ट ईयर मैंने यूज़ करा तो मुझे जो ये था बड़ा ही अच्छा मतलब लगा देखने में कि सही में जो कीड़े मकोड़े थे वो हमारे प्लांट्स में नहीं लग रहे थे, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। तो आप कोशिश करिएगा कि शाम को पानी दीजिए। अच्छा, पानी ये है कि कैसे पानी दें। अब गमले जो है हमारे छोटे हैं बड़े हैं, तो उसमें जो है एक ये नहीं है कि आपने डाल दिया तेज़ी से पानी, पानी क्या हुआ तेज़ी से जितनी तेज़ी से आपने डाला उतनी तेज़ी से वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। पानी अगर ड्रेनेज होल से बाहर निकलेगा गमले से तो कहीं ना कहीं आपकी जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बाहर निकल के आएंगे, आप पर जो है बार बार आपको जो है फर्टिलाइजर वगैरह डालना पड़ेगा। तो हमको जो है ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि ड्रेनेज होल से पानी ना आए। तो इसके लिए क्या है, जैसे आपने लिया है 7 इंच का कोई गमला है आपका, एक अनुमानित हम बता रहे हैं, तो उसमें आप जानते हो कि आधा अगर हमने केजी का मग लिया है तो उतना सफिशियंट है पानी, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और पानी को कभी भी बहुत तेज़ धार मार के नहीं डालना है, प्लांट को नहलाइए आप खूब अच्छे से नहलाइए। जैसे कि हम लोग जब गर्मियों में नहाते हैं तो अच्छे से नहाते हैं तो गर्मी निकल जाती है, तो ऐसे ही पत्तियों को जब आप अच्छे से नहलाओगे तो उसकी गर्मी सारी निकल जाएगी, साफ़ कर दोगे पत्तियाँ जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी, थोड़ा बहुत उसका पानी जो है नीचे निकल करके जाएगा मिट्टी में, कोई बात नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद जब आप डायरेक्ट डाल रहे हो ट्यूब से तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी जो है जब हम लोग पानी डालते हैं ट्यूब से तो क्या होता है हम लोग की आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में पानी डालने की, तो वहाँ देखिए मिट्टी जो है हटने लगती है, जो रूट्स हैं वो एक्सपोज होती हैं सामने आती हैं हवा के, और गड्ढा होते होते वहाँ पर फंगस लगने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि वो जड़ें जो है प्लांट की डायरेक्ट जो है हवा के कांटेक्ट में आ रही हैं, फिर प्लांट आपका थोड़ी देर में मर जाता है। ये अक्सर जो होता है जो हम लोग अभी सीजनल प्लांट्स लेंगे, पोशुलाका वगैरह लेंगे, विंका लेंगे, तो उसमें जो है ट्यूब लगा दिया उस जगह पर होल होने लगा मिट्टी में और वो प्लांट थोड़े दिन बाद मर जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक जगह पानी ना दे करके चारों तरफ से गमले में पानी देना है ताकि इक्वल पानी सब जगह पड़े।
पानी का भी ये है कि जब कभी भी डालो, भले ही गर्मी में डालो, तो एक बार अपने गमले की मिट्टी को जरूर चेक करके देखो कि वो ड्राई है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर से मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती है, जब आप उसकी थोड़ी मिट्टी हटा करके देखो तो अंदर से गीली दिखाई देगी। इंडोर प्लांट्स में स्पेशली होता है, जो इंडोर प्लांट्स हम लोग रहते हैं, तो कई बार इंडोर प्लांट्स जो होते हैं चार चार दिन इवन गर्मी में भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इंडोर प्लांट्स से पानी डालिए, तो एक बार मिट्टी को जरूर चेक कर लीजिए। आप एक दो बार भी चेक कर लोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने प्लांट्स में तीसरे दिन चौथे दिन पानी डालना है। ज़्यादा पानी होगा फंगस लग जाएगी, प्लांट जो है धीरे धीरे मर जाएगा, और नहीं मरेगा तो वो ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी